हेलो गाइज, आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपका भी जीमेल अकाउंट एक मोबाइल के अलावा दूसरे मोबाइल में लॉगिन है तो आप एक मोबाइल से कैसे दूसरे मोबाइल के लॉगिन वाले जीमेल अकाउंट को हटा सकते हैं, यानी कि उस मोबाइल फ़ोन से अपने ईमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं। सो इसे जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप ईमेल आईडी को रिमूव करने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो सबसे छोटा तरीका है। इससे आप बिल्कुल कम समय में अपने जीमेल आईडी को दूसरे मोबाइल फ़ोन से रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके मोबाइल फ़ोन में एक जीमेल एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपको दिखाई पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप चाहे तो यूट्यूब, क्रोम, गूगल किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी क्लिक करके किया जा सकता है। तो इस पर आपको क्लिक करना है जीमेल वाले एप्लीकेशन पर। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर एक प्रोफाइल फ़ोटो शो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एक से ज़्यादा ईमेल आईडी लॉगिन होगा तो उसका लिस्ट यहाँ से आ जाएगा। आप जिस भी अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं उस अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन में भी लॉगिन हो। तो यहाँ से मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको राइट स्वाइप करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको यहाँ से आपको राइट स्वाइप करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, तो इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से काफ़ी सारा ऑप्शंस आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से बिल्कुल आपको नीचे स्लाइड करना है इस तरीके से। यहाँ पर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन नज़र आएगा योर डिवाइसेस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दो फ़ोन में इसे लॉगिन कर रखा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन में लॉगिन कर रखा हूँ जो है Realme 7, उसके अलावा Realme RMX, ये इस तरीके से यहाँ पर एक डिवाइस का नाम है, उसमें भी हम लॉगिन कर चुके हैं। तो वो मोबाइल मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, और उसमें से हम जीमेल अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन से आपको यहाँ से रिमूव करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है Realme RMX, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो यहां से आपको नीचे मैनेज डिवाइसेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है मैनेज डिवाइसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने दूसरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहां पर आपको 3 लाइन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है जिस भी मोबाइल फ़ोन को आप रिमूव करना चाहते हैं, यानी जिस भी मोबाइल फ़ोन से आप ईमेल आईडी को हटाना चाहते हैं, तो उस वाले मोबाइल फ़ोन के 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन आउट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साइन आउट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर से साइन आउट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइस हट चुका है, हमने सक्सेसफुली साइन आउट कर लिया है। अब हमारा ईमेल आईडी उस मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल हट चुकी है, अब उस मोबाइल से कोई भी उस ईमेल आईडी को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हुए अपने ईमेल आईडी को दूसरे मोबाइल फ़ोन से हटा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।